नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हुए आज का एक्सपायरी का दिन कैसा रहा, कल का दिन कैसा रहेगा, फ्राइडे मार्केट उसका विश्लेषण करते हुए आज का वीडियो चालू करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं निफ्टी 50 में क्या बिल्डअप है, क्या चार्ट है। दो दिन का ये ट्रेंड लाइन जो है ये बरकरार है, यही ट्रेंड लाइन पर अभी सपोर्ट लेके रुका है निफ्टी 50। सो ऑल टाइम हाई था प्रीवियसली 15,915 लेवल को ब्रेक करके, 15,950 लेवल को भी ब्रेक करके ऑल टाइम हाई बनाया और प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर भी क्लोजिंग दिया निफ्टी। एक बढ़िया एक मोमेंटम दिखाया। सो ओपनिंग से ही आपको संकेत दे दिया कि एक अपसाइड रैली के लिए। सो यहाँ पे बहुत लोग डरा हुआ था क्योंकि आज एक्सपायरी था। सो यहाँ पे भी देख सकते थे, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी बिल्डअप हो रहा था, बहुत लोग यहीं पे पुट लेके बैठ गया था। जब ये 15,900 को एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया तो एक कंफर्मेशन अपसाइड मूवमेंट आ गया और 15,950 तक चेस किया। वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके थोड़ा नीचे आके 15,920 के अबव क्लोजिंग दिया है। एक बढ़िया क्लोजिंग है, निफ्टी में बुलिशनेस है, थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन डर सबके मन में है कितना ऊपर जा सकता है और किधर से रिवर्स मार सकता है, ये डर सबके ऊपर है। इसीलिए ज़्यादा ट्रेडिंग निफ्टी में करने का कोई ताकत नहीं दिखा रहा है, ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट है, कल भी ऐसा ही हो सकता है। 15,950 इन स्ट्रांग एक रेजिस्टेंस वाला काम करेगा। अगर थोड़ा हल्का सा गैप अप हुआ तो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत सारा फेस करना पड़ेगा। इसको ब्रेक कर दिया तो सीधा 16,000 तक जाना ही है। अगर 16,000 तक जाएगा तो भी सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग देना है 16,000 के ऊपर, तभी निफ्टी ज़्यादा बुलिश बन सकता है, ठीक है। उसको देख के संभल के आप ट्रेड कीजिए। सपोर्ट वही रहेगा 15,900, एक स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे 15,880 एक स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा। उसका नीचे 15,850 और 15,800 ये लेवल्स में आपको सपोर्ट नीचे से मिलेगा, ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट है। रेजिस्टेंस के बारे में मत सोचिए क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है निफ्टी। सो किधर भी जा सकता है। ऑप्शन चेन देखिए, ऑप्शन चेन में आपको दिया क्या दिख रहा है उसके हिसाब से चलिए। ऑप्शन चेन चूज़ करना है तो नेक्स्ट एक्सपायरी का चूज़ करना है। आज एक्सपायरी है सो नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन चेन इतना ज़्यादा बिल्डअप, बढ़िया बिल्डअप नहीं दिखाएगा। कल रियल टाइम जब मार्केट ओपन होगा वहाँ पे क्या पोजीशन बना हुआ है पुट साइड और कॉल साइड देख के आप अपना निशाना लगा सकता है, काम भी कर सकता है। देखिए अभी स्पॉट पे 28,000 है पुट रेटिंग और 10,000 है कॉल रेटिंग। तगड़ा सपोर्ट और वीक रेजिस्टेंस है 15,900 के लिए, इसीलिए मार्केट ऊपर रुक गया 15,900 के ऊपर, ओके। और वो भी प्रीवियस हाई के ऊपर भी रुक गया, ओके। 15,950 में उतना ज़्यादा कॉल रेटिंग नहीं है, लेकिन डेटा फास्ट चेंज हो सकता है। कल 3 मिनट के बाद यहाँ पे आपका डेटा अलग सही रहेगा, उसको देख के आपका डायरेक्शन बनाइए। 16,000 में करीब करीब 15,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 16,000 स्पॉट जो है उसमें 15,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप हुआ है कॉल साइड में, ठीक है। सो पुट रेटिंग देखिए नीचे 15,850 कुछ खास नहीं है, लेकिन 15,800 में बढ़िया एक सपोर्ट दिख रहा है, ओके। 15,800 में बढ़िया एक सपोर्ट, ये स्पॉट रहेगा तो यहाँ पे अगर किसी कारण थोड़ा सा नीचे आ गया तो भी 15,800 के करीब करीब जाते हुए घूम सकता है मार्केट। एक रेंज बाउंड का मूवमेंट कल भी आपको दिख सकता है। ग्लोबल मार्केट को फॉलो कीजिए, क्रूड, इंडियन रुपीस वर्सेस यूएस डॉलर, ये सब देख के आपको काम करना है, ठीक है। उसके बाद ही आपको अच्छा मोमेंटम पकड़ने में कामयाबी मिलेगी। दोस्तों हम बात करते रहते हैं हमारा वर्कशॉप के लिए। सो वर्कशॉप आपको ज्वाइन करना है तो वर्कशॉप में आप आ सकते हैं। तो वर्कशॉप कैसा रहेगा ये सब आपको बहुत ही बढ़िया आपको सीखने को मिलेगा। 16 जुलाई कल से शुक्रवार से और रविवार तक 18 जुलाई तक 1 आवर डेली आपको बढ़िया स्ट्रेटजीज दिखा दिया जाएगा। बहुत लोग ग्रुप छोड़ रहे हैं, दुख हो रहा है क्योंकि सभी लोग बैंक निफ्टी निफ्टी के पीछे पड़ा हुआ है। आज ग्रुप में हम हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में बताए थे। 13,320 ओपनिंग के पहले ही, मार्केट ओपनिंग के पहले ही आपको स्टॉक के बारे में बताया था और वो करीब करीब 200 पॉइंट्स आपको दे दिया स्टॉक में ही। आपको स्टॉक्स इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, वहाँ पे आप काम करने का मन नहीं कर रहे हैं, आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस में चल रहे हो जहाँ पे ऑपरेटर्स का गेम बहुत चालू रहता है। सारा मार्केट इंडेक्स में 100% कंट्रोल ऑपरेटर्स का ऊपर रहता है। आपको किधर भी घुमा के लॉस करवा के घबरा के स्टॉप लॉस हिट करके आपका पैसा खाली कर सकता है इंडेक्स ऑप्शंस। वहाँ पे आप कम करने के लिए बहुत बेताब है, बहुत आपको उसमें इंटरेस्ट है पैसा गंवाने का, लेकिन सीख के स्टॉक्स में काम करके थोड़ा थोड़ा पैसा
देखिए, हर दिन आपको 10,000-20,000 नहीं मिलेगा, 1,000-2,000 मिल गया, 500 मिल गया, तो भी वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्रॉफिट है। प्रॉफिट बनाना सीखिए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकालना सीखिए, उसके बाद आप बढ़िया ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग एक्सक्लूसिव वर्कशॉप है। ये वर्कशॉप में आपको बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटेजीज मिलेगा, एकदम 100% टेस्टेड प्रूवन स्ट्रेटेजीज इसमें मिलेगा। जो भी आसक्त लोग होगा, वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक को आप ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप का एडमिन से कांटेक्ट करके कोर्स के बारे में आप जान लीजिए। सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन में आप मार्केट का बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन ऐसा चीज़ आप सीखेगा तो उस पर प्रैक्टिस करेगा तो 2-3 महीने में आपका किसी का ज़रूरी नहीं है, कोई पेड कॉल्स देखने का ज़रूरी नहीं है, किसी का मदद मांगने का ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अपना खुद काबिल बनो और ट्रेड की करके मुनाफा करो। ये बोलते हुए हम चलते हैं बैंक निफ्टी के। और बैंक निफ्टी में कैसा था? वो भी निफ्टी के जैसा ही, अपवर्ड मूवमेंट सुबह से ही जारी रख गया। थोड़ा नीचे आया, लेकिन यहाँ पे फिर से रिकवरी हो गया और यहाँ से ऊपर आ गया। ये हमारा लेवल था, बहुत लोगों को भी हम बताए थे 35,800 अगर क्रॉस करेगा तो बढ़िया मूवमेंट मिलेगा। 2 ही कैंडल में 100 पॉइंट्स प्लस मूवमेंट मिल गया। ओके, उसके बाद गया 35,985। ओके, 2 बार वहाँ पे टेस्ट किया, उस लेवल में ब्रेक करने का कोशिश किया, लेकिन रिजेक्शन मारा। एक रिजेक्शन यहाँ पर था और एक रिजेक्शन यहाँ पे आ गया। फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन नाकाम रहा डे हाई ब्रेक करने का। ओके, एक रेंज में फंस के एक क्लोजिंग दिया है 35,900 के ऊपर। एक बढ़िया मोमेंटम भी बैंक निफ्टी में आज था, और बढ़िया ये भी आपका निफ्टी का जैसा एक ट्रेंड लाइन बना रहा है 2 दिन का। अभी अभी ट्रेंड लाइन का पास भी नहीं आया है, किसी भी कारण अगर गैप डाउन हुआ तो ये ट्रेंड लाइन को टकरा कर भी ऊपर जा सकता है बैंक निफ्टी। ओके, रेजिस्टेंस यही रहेगा, यही जो लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया था वो भी रेजिस्टेंस रहेगा, और साइकोलॉजिकल लेवल 36,000 भी एक बढ़िया रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। नीचे तो बहुत सपोर्ट है, सपोर्ट लेते हुए ये चलता रहेगा। फिर 35,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके बाद 35,720 वो एक बहुत बढ़िया का सपोर्ट का काम करेगा, उसका नीचे भी बहुत बहुत आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। रेजिस्टेंस भी है ऊपर, सपोर्ट भी है नीचे। 36,400 तक मार्केट जा सकता है, ये मेरा चार्ट एनालिसिस कह रहा है। बाकी आप किसी भी इन्वेस्टमेंट या बाई और सेल का सलाह अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके कर सकते हैं। चलिए, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है। ऑप्शन चेन अगर ढूंढना है तो नेक्स्ट एक्सपायरी का ढूंढिए, 22 जुलाई। ओके, बैंक निफ्टी देखिए, यहाँ पे 15 आया, इसको 22 में बदल के देख लीजिए। नेक्स्ट एक्सपायरी का जो ऑप्शन चेन, इस एक्सपायरी का दिन में उतना ज़्यादा आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, विश्वास नहीं दिखाएगा, तो कल डेटा चेंज होगा। पहला 3 मिनट में यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा डेटा चेंज होगा। तो 30,500 करीब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पुट साइड और 10,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड है। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रेजिस्टेंस थोड़ा सा वीक है, लेकिन रेजिस्टेंस है। 36,000 में आप देख लीजिए करीब करीब 20,000 कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, 27,000 के ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट। 35,800 में 11,000 है, उसके नीचे कुछ सपोर्ट नहीं है। सीधा 35,500 में 17,000 जो है, ये एक बढ़िया रेजिस्टेंस है, आई एम सॉरी सपोर्ट है। ठीक है, ऊपर के साइड देखिए, 36,000 के ऊपर उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कहीं भी बिल्डअप नहीं हुआ है। मुझे दिख रहा है कि 36,500 फिर भी एक साइकोलॉजिकल नंबर है, वहाँ पे करीब 15,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। सो इसलिए मैंने बोला मार्केट 36,400 को चेस कर सकता है किसी भी कारण, कल ही करे या मंडे भी करे, लेकिन मार्केट बुलिश ही दिखा रहा है। चार्ट में भी बुलिश है और यहाँ पे डेटा जो ऑप्शन चेन में निकल रहा है वो भी बुलिश है। ठीक है, कल आपको एक स्टॉक के बारे में हम बताए थे, वो था एम्फेसिस। देख लीजिए आज एम्फेसिस ने क्या काम किया। हमने बोला था अगर नीचे आया तो सुबह नीचे में रहे, और उसके बाद अगर ऊपर गया तो ऊपर उसके साथ ही जैसा जैसा स्विंग देता है वैसा आप मार्केट में काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया वॉल्यूम था और बहुत बढ़िया मूवमेंट था। थोड़ा नीचे आने का प्रयास, उसके बाद रिकवरी। ओके, कंटिन्यूस अपसाइड, एक रेंज में फंस गया। यहाँ से अगर आप एंट्री लिया तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये एम्फेसिस का मूवमेंट था। कल भी एक स्टॉक है आपके लिए, वो भी आईटी सेक्टर है, क्योंकि आईटी सेक्टर बहुत बढ़िया चल रहा है। आईटी सेक्टर का सारा स्टॉक बहुत बूम में है, उसमें आप देख सकते हैं LTTS जिसका रिजल्ट अच्छा निकला, तो यहाँ पे आपको 20% आपको दिख रहा है पर सर्किट का, नियर नियर जाके ये आया है। कल यहाँ पे देखिए, ये जो गैप बना है,
इस गैप को भी फिल कर सकता है, कल ही नहीं कर सकता है लेकिन टाइम लेगा, फिल तो जरूर करना है, गैप को नहीं छोड़ना है। ठीक है, कितना बड़ा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, करीब करीब 2940 या 30, यहाँ से ऑलमोस्ट आपको 500 पॉइंट्स का रैली दोस्तों आपको LTTS ने दिया, 500 पॉइंट्स का रैली, सोचिए कितना बड़ा मूवमेंट है। ठीक है, L&T टेक्नोलॉजिकल सर्विस कल का ये आप देख रहे हैं रेड सिग्नल जो दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग को आ सकता है, अगर आया तो नीचे साइड आप सेल साइड में रह सकता है। ओके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस खुद आपको पता चल जाएगा, किधर किधर सपोर्ट है किधर किधर रेजिस्टेंस है आपको खुद मिल जाएगा कल का ट्रेडिंग सेशन में, इसके ऊपर काम कीजिए। और भी बढ़िया टेक्निक सीखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है, स्टॉक्स में काम करना है, ऑप्शंस में काम करना है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और एडमिन को मैसेज कीजिए, आपका अगर कोर्स ज्वाइन करने का मन है तो कोर्स ज्वाइन करके और भी बढ़िया सीख के मुनाफा कर सकता है मार्केट। ये बोलते हुए अगर हमारा वीडियो हमारा कोशिश आपको अच्छा रहा अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ यहाँ पे शेयर कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके हमको आशीर्वाद दीजिए। हम बेंगलोर से हैं, हमारा हिंदी थोड़ा आपको दिक्कत रहेगा कि समझने में, या थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी से हिंदी बोल सकते हैं हम, तो हमको आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, सो हमारा साथ जुड़े रहे हैं, बहुत सारा सीख सकते हैं और बहुत सारा आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये बोलते हुए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, जय हिंद।